दोस्तों यहाँ पे Android 14 का लेटेस्ट अपडेट जो कि FunTouchOS 14 भी कहा जाता है, Vivo के बहुत सारे डिवाइसेस पे ऑलरेडी अपडेट्स वगैरह रिलीज करा जा चुका है। बट यहीं पे देखा जाए तो Vivo के कुछ Y सीरीज के डिवाइस है जो कि इनिशियल जो लिस्टेड था Vivo ने पहले कंफर्म नहीं किया था कि इस पे अपडेट रिलीज करा जाएगा, क्योंकि उस पे जो ना सिर्फ एक ही साल का अपडेट था। बट यहाँ पे अब ये बात निकल के आया कि बहुत सारे Vivo के Y सीरीज के डिवाइसेस पे अब FunTouchOS 14 और Android 14 का जो लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों वो अपडेट दिया जाएगा। स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से काफी तगड़ा मूव है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से वो Vivo के Y सीरीज डिवाइसेस है जिसमें आपको Android 14 के अपडेट आपको कुछ यूजर्स को दिया जा चुका है, आप लोगों के डिवाइस में भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। जैसा कि बात करते हैं दोस्तों FunTouchOS 14 का जो पहले जो बर्तन भी बीटा ट्रायल वर्जन वगैरह गया था काफी अच्छी तरीके से काम करने लगा। उसके बाद में जब स्टेबल अपडेट आया बहुत सारे बग्स इश्यूज वगैरह काफी हद तक जो फिक्स हो चुका है। एंड जैसा कि मैं अभी Vivo के अलग अलग डिवाइसेस पे इसको चेक कर रहा हूं तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। बट यहीं पे बात करते हैं कौन से वो डिवाइसेस है जिसको पहले पे लिस्ट पे नहीं रखा था बट अब जाकर के Vivo के अपडेट्स जो है रिलीज हो जा रहा है। यहाँ पे Vivo एंड IQ के बहुत सारे डिवाइसेस है बट यहाँ Vivo के Y सीरीज जो डिवाइस है दोस्तों जिसमें कि Vivo का Y27 जो कि पहले ही अपडेट रिलीज करा जा चुका है अभी तक जो ना काफी स्टेबल अपडेट मिल रहा है। बट इसी के साथ में अगर Vivo का Y200 डिवाइस देखा था इसको कहीं भी लिस्ट में नहीं रखा गया था। Vivo के Y100 में अपडेट रिलीज करा गया था। जब मैंने FunTouchOS टीम यानी Vivo की टीम से बात करा तो उन्होंने कंफर्म किया था कि Vivo Y200 पे आपको अपडेट दिया जाएगा और फाइनली अब जाकर के Vivo Y200 पे अपडेट रिलीज करा जा चुका है। एंड इसी के साथ में Vivo का Y17, Y35, Y37, Y36, Y28 इन सारे डिवाइसेस पे आपको जो ना अब FunTouchOS 14 एंड Android 14 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि जो भी अपडेट्स अभी रिलीज हो रहा है दोस्तों सभी ये बीटा ट्रायल वर्जन अपडेट रिलीज हो रहा है। आपको अपने सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स में जाकर के वहां पे अपने बीटा ट्रायल वाला वर्जन से अपडेट करना होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों जब भी ये आप बीटा ट्रायल अपडेट करोगे आपको बग्स इश्यूज वगैरह देखने को मिलेगा। बट Vivo का कहना है कि 2 से 3 महीने के अंदर में जितने भी अपडेट्स रहेंगे सभी को स्टेबल कर दिया जाएगा और उसके बाद में परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी काफी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्या आप इन सभी डिवाइसेस में से कोई सा भी एक डिवाइस यूज कर रहे हो। अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या आपको Android 14 का अपडेट मिल चुका है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ और कोई पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर भी लेटेस्ट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।